हाल ही में अग्निवीर भारतीय सेना का परीक्षा परिणाम निकला है, जिसमें जिला कुल्लू के लगभग 3 दर्जन से अधिक युवा भर्ती हुए हैं। वहीं जिला मुख्यालय में पूर्व सेवानिवृत्त कैप्टन ताराचंद ने युवाओं के प्रोत्साहन के लिए लक्ष्य डिफेंस एकेडमी खोली है, जहां पर युवाओं को भारतीय सेना में जाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। मैं कैप्टन ताराचंद ठाकुर लक्ष्य डिफेंस एकेडमी का प्रेसिडेंट हूँ। अभी पिछले 2 सालों से हमारी एकेडमी से तकरीबन 35-40 लड़के जो है यहाँ से भारतीय सेना में और पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड में अभी सेवा दे रहे हैं। सबसे पहले मैं अपनी लक्ष्य डिफेंस एकेडमी की तरफ से अपने शोला सागर ट्रस्ट के MD भाविक ठाकुर का तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ। और जो आने वाला समय होगा, जो हमारे लक्ष्य डिफेंस एकेडमी से हमारे नौजवान ट्रेनिंग कर रहे हैं, और इनके लिए अच्छा एक मोटिवेशन है कि अभी हाल ही में जो अग्निवीर यहाँ से सिलेक्ट होकर 3 जा रहे हैं हमारे जैक राइफल सेंटर जबलपुर जा रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आने जो अभी दोबारा मार्च अप्रैल में अभी जो अग्निवीर अभी भर्ती होनी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारी एकेडमी से निकलेंगे। मैं सभी कुल्लू के जितने भी युवा युवतियाँ हैं उनसे आग्रह करता हूँ कि हमारी एकेडमी में आकर तकरीबन निःशुल्क जो पढ़ाई करके अपना भविष्य जो है उज्जवल कर सकते हैं। कहना चाहूँगा कि मेरे को देश की सेवा करने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो भारत का सब युवा चाहता है। और मैंने सर कोचिंग और ग्राउंड लक्ष्य डिफेंस एकेडमी से किया है, और वहाँ के MD हैं ताराचंद ठाकुर जी, कैप्टन ताराचंद जी, और टीचर भी बहुत अच्छे हैं। तो मैंने वहीं से कोचिंग ली, और पूरा मेरा जो श्रेय मैं देना चाहूँगा, मैं अपने एकेडमी के टीचर्स और अपने मार्गदर्शकों को देना चाहूँगा। और मैं नए बच्चे को भी यही कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि अच्छी स्टडी या कोचिंग पाना चाहते हैं, तो आप लक्ष्य डिफेंस एकेडमी ज़रूर जा सकते हैं, और वहाँ से अच्छी कोचिंग पा सकते हैं, और भारतीय सेना की सेवा करने का मौका भी आप पा सकते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा। कुल्लू से कुल 20-25 युवकों उसमें भर्ती में पास हुए हैं, और लगवैली से 3 युवक हैं जो इसमें, एक टेक्निकल में और 2 अग्निवीर GD में वो सिलेक्ट हुए हैं। CD चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।